सभी स्टूडेंट एटलस को ओपन कर लें। जो स्टूडेंट कनेक्ट हो गए हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो वो एटलस पे अंटार्कटिका को ओपन करें। आपको मैप में इस तरह का अंटार्कटिका जहां मिलेगा वहां पे आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिका दोनों का मैप मिलेगा। आर्कटिक ओशन में आपको वाटर दिखाई देगा, लेकिन अंटार्कटिका के मैप में व्हाइट कलर आपको शो होगा, तो वही कॉन्टिनेंट है। तो टॉपिक हेडिंग डाल दीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ अंटार्कटिका। हम पहले अंटार्कटिका का थोड़ा परिचय लेंगे, फिर उसके बाद इस टॉपिक को डीपली स्टडी करेंगे। इस टॉपिक में जिस तरह से अदर कॉन्टिनेंट में आपको कंट्रीज मिल रहे थे, इस कॉन्टिनेंट में कंट्रीज नहीं मिलेंगे और यहाँ पे अस्थाई पॉपुलेशन, एक निश्चित जनसंख्या भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अदर कॉन्टिनेंट में देश, राजधानियां और उसके बारे में भौगोलिक स्थिति में एक्सेट्रा पढ़ रहे थे, लेकिन इस कॉन्टिनेंट में अस्थाई जनसंख्या न होने के कारण कोई देश नहीं है। यह टोटली एक बर्फ का विशाल भूखंड है, विशाल भूभाग है। तो हम आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अंटार्कटिका, यह कॉन्टिनेंट विश्व का पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। देखें, पहले नंबर पे एशिया आता है, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, लेकिन पांचवें पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आता है और छठे पर यूरोप आता है जिसमें 44 देश थे, और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया आता है यानी कि जिसमें 22 देश थे। तो आप इमेजिन करें कि ये कॉन्टिनेंट यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इन दो कॉन्टिनेंट से बड़ा है। अंटार्कटिका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया दोनों कॉन्टिनेंट से एक बड़ा कॉन्टिनेंट है और यह विश्व का पांचवें नंबर का कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट पे एक भी देश नहीं है, इस पे कोई देश नहीं है। यह बर्फ का एक विशाल खंड है, विशाल क्षेत्र है, जो पृथ्वी के दक्षिणी भूभाग पर, दक्षिणी भूखंड पर पाया जाता है। यानी मतलब हम ग्लोब में देखें, जो आप अर्थ का साइड देखते हैं, ग्लोब का हिस्सा, तो उस ग्लोब में सबसे साउदर्न, जो जैसे एक फुटबॉल हो और फुटबॉल के जो नीचे का तली है जिस पे फुटबॉल टिकता है धरती पर, सेम वैसे ही अगर हम ग्लोब को उठाएं तो ग्लोब का जो निचला पोर्शन है, अगर ग्लोब को हम धरती पर डाल दें, मिट्टी पर रख दें, तो जो उसका निचला हिस्सा होगा जो अर्थ को टच करता है, समझिए वैसे ही अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका सबसे निचले पार्ट में है, तो यह दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है और दक्षिणी गोलार्ध में यह पाया जाता है। इस पर अस्थाई जनसंख्या नहीं है, यहाँ पे अस्थाई कोई जनसंख्या नहीं रहती, लेकिन पर ईयर यानी कि हर एक साल में 1000 से लेकर 5000 तक लोग यहाँ पर अनुसंधान, रिसर्च कार्यों के लिए जाते हैं विभिन्न देशों के, यानी कि पूरे विश्व से जो रिसर्चर्स हैं, जो अनुसंधानकर्ता हैं, वो यहाँ पर ट्रेवल करते हैं और अपने अपने कंट्रीज के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि ये रिसर्च की भूखंड है, रिसर्च भूभाग है, इसलिए इसको इस कॉन्टिनेंट को अनुसंधानीय महाद्वीप कहा जाता है।
अनुसंधान वाला महाद्वीप कहा जाता है। ओके नेक्स्ट, इसके इंट्रोडक्शन, ये हम जैसे बोलते जा रहे हैं आप इस लेक्चर को या तो YouTube से आप रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा या आप इसको नोट करके चलें, ये एक एक शब्द। दूसरी बात, इस कॉन्टिनेंट का लगभग 98% यानी 100% में 98% जो भाग है वो बर्फ से ढका हुआ है, और इस बर्फ की मोटाई यानी कि ये कितनी मोटी बर्फ की यहाँ पे लेयर है, 1.6 किलोमीटर। समझिए कि लगभग 1.5 किलोमीटर तो मोटी बर्फ की लेयर है इस पर, 1.6 किलोमीटर बर्फ की लेयर इस पर जमा हुआ है, और यह बर्फ का हिस्सा 98% भाग है इसका, और 2% हिस्सा इसका कहीं कहीं पर माउंटेन एंड स्थलीय भाग दिखाई देते हैं। वो कब दिखाई देते हैं अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो 98% बर्फ होने के कारण इस कॉन्टिनेंट को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा व्हाइट दिखता है, तो व्हाइट दिखने के कारण इस कॉन्टिनेंट को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, श्वेत कॉन्टिनेंट, श्वेत महाद्वीप के नाम से ये फेमस हो गया। उधर आपने देखा कि अनुसंधानीय कॉन्टिनेंट, अनुसंधान महाद्वीप कहा जाता है, और इसी अनुसंधान से अगर एक और सुंदर शब्द बनाया जाए तो पर ईयर यहाँ पे 1,000 से 5,000 के बीच लोग अनुसंधान करने के लिए आते हैं और इस कॉन्टिनेंट से अनुसंधान करके चले जाते हैं, अपने रिसर्च को कंटिन्यू रखते हैं। तो ऐसे ये देखा जाए तो अनुसंधान का मतलब साइंस, विज्ञान, और विज्ञान से रिलेटेड कार्य इस कॉन्टिनेंट पे होता है, इसलिए इस कॉन्टिनेंट को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। तो वैसे ही अनुसंधानीय महाद्वीप, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, और 98% बर्फ होने के कारण ये कॉन्टिनेंट व्हाइट दिखता है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपने देखा कि इस कॉन्टिनेंट पे 98% बर्फ है। जब सन दक्षिणायन होता है, सन दक्षिणायन होता है यानी कि जब ग्लोब में सन का लाइट दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कब पड़ेगा, 23 सितंबर से 21 मार्च तक। 23 सितंबर से सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और 23 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 21 मार्च तक सूर्य दक्षिण में चमकता है। 6 महीने सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में तापमान जब बढ़ता है तो अंटार्कटिका का बर्फ हल्का पिघलने लगता है, हल्का, ज्यादा नहीं पिघलता, बहुत कम पिघलता है, और जब सन उत्तरायण होता है यानी 21 मार्च से 23 सितंबर तक सन उत्तरायण रहता है। जैसे अभी सन उत्तरायण है तभी हमारे यहाँ गर्मी बढ़ी है, मार्च से हमारे यहाँ गर्मी बढ़ जाती है क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध के देश हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक सन उत्तरायण रहेगा, तो उस कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा रहता है, और ठंड होने के कारण अंटार्कटिका पर दक्षिणी ध्रुव पर और अधिक ठंड बढ़ जाता है, जिससे महाद्वीप का हिस्सा और बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जब से ये धरती है तब से ये कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यू है, ये जारी है प्रक्रिया। जब सन दक्षिणायन होता है तो अंटार्कटिका पिघलने लगता है, और सन जब उत्तरायण होता है तो अंटार्कटिका ठोस अवस्था में बदलने लगता है। इस तरह पर ईयर अंटार्कटिका के आकार में गर्मियों के दिनों में कमी पाई जाती है और ठंडियों के दिनों में बढ़ोतरी पाई जाती है। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं
कि सन जब दक्षिणायन होता है तो अंटार्कटिका का आकार घटता है और सन जब उत्तरायण होता है तो अंटार्कटिका का आकार बढ़ता है। इस स्थिति को अगर हम देखें तो अब अगर कोई वहां पे पर्सन ठंडी में जाए तो देखेगा कि महाद्वीप बड़ा दिख रहा है और गर्मी में जाए तो महाद्वीप उसको छोटा दिखेगा। इसलिए इस कॉन्टिनेंट को गतिशील कॉन्टिनेंट कहा जाता है, यानी कि ये इसमें एक्टिविटी जो है कंटिन्यू है, इसमें चल रहा है। तो इस तरह गतिशील महाद्वीप का कॉन्सेप्ट अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ उपनाम है अंटार्कटिका के, गतिशील महाद्वीप, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, अनुसंधानीय महाद्वीप और श्वेत महाद्वीप, ये अंटार्कटिका को कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इस कॉन्टिनेंट के बारे में अब खोज और इससे जुड़े अदर फैक्ट को हम देखते हैं। अभी तो इसका नामकरण किया गया, नामों का डिस्कशन किया गया। दूसरी बात, यह कॉन्टिनेंट दुनिया की नजर में सबसे पहले 1820 में आया। आप देखिए, अभी उधर अभी ऑस्ट्रेलिया खत्म हुआ है, आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है, अंटार्कटिका की खोज 1820 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अंटार्कटिका दुनिया की नजर में 1820 ईस्वी में आया। ठीक है, अब आइए इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है वो मैं बता देता हूं। जब 1770 ईस्वी में अंटार्कटिका को कैप्टन कुक ने खोजा, कैप्टन कुक ब्रिटेन के रहने वाले थे और ब्रिटेन उस समय पूरी दुनिया पर राज कर रहा था, तो जब ये एक नई धरती मिली अंग्रेजों को, क्योंकि उस समय तक अंग्रेज पूरी दुनिया में छाए थे और उनको ये था कि हम पूरी दुनिया पर इस समय राज कर रहे हैं, लेकिन उसी दौरान 1770 ईस्वी में जब एक नई भूमि उनको मिली तो और उम्मीदें बढ़ गईं कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के जैसा और भी भूखंड इस सागरों महासागरों में छूटे हुए हों, पाए जाएंगे, जिस पर मानव आबादी अभी नहीं बसी है। लेकिन 1770 के बाद जब कैप्टन कुक को ऑस्ट्रेलिया खोज लेने के इनाम के तौर पर उनको काफी ब्रिटेन में सम्मान मिला, तो ब्रिटेन के पैलेस ने उनको एक और जिम्मेदारी दी कि इस तरह के और अगर भूखंड हो तो उनको खोजा जाए, और कैप्टन कुक को एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक निर्धारित की गई कि आप विश्व का भ्रमण करें और भूखंड को खोज निकालें। कैप्टन कुक ने काफी प्रयास किया, बहुत यात्राएं की, लेकिन उनको अदर कोई नई भूमि नहीं मिली। लेकिन जो फिलासफर्स, जो पुराने जो बहिष्कर्ता और तमाम तरह के अनुसंधानकर्ता थे, उन्होंने इस अवधारणा को विकसित किया था कि पृथ्वी के किसी न किसी छोर पर बर्फ का एक बहुत बड़ा भूखंड होगा, क्योंकि 30 से 45 के बीच हम देखते हैं उपोष्ण कटिबंध, और 45 के बाद जब शीतोष्ण आता है तो शीतोष्ण के बाद बर्फ का एक ऐसा खंड जो होगा वो कहीं ना कहीं धरती पर विद्यमान है। ये वैचारिक की किताबों में विद्यमान था विचार जो था। इस विचार के आधार पर कैप्टन कुक को ये एक जिम्मेदारी थी कि इस तरह का अगर भूखंड कहीं है तो खोज निकालिए। तो कहा जाता है कि सबसे पहला प्रयास अंटार्कटिका को खोजने का, क्योंकि ये अवधारणा जो उनके दिमाग में था कि इस तरह का चीज होगा, तो खोजने का पहला प्रयास कैप्टन कुक ने किया था। ये एक क्वेश्चन आ चुका है कि अंटार्कटिका का खोज का सबसे पहला असफल प्रयास किसने किया था, तो कैप्टन कुक ने किया था। कैप्टन कुक इसको खोजते रहे लेकिन अंटार्कटिका नहीं मिला। उनके गुजर जाने के बाद सोवियत संघ, रूस ने इस अवधारणा को पकड़ा और रूस ने इस अभियान को चलाया। उसने नियुक्त किया
फेबियन बेलिंगशासन, ये वहां का कैप्टन थे जो नाविक थे, फेबियन बेलिंगशासन। और यह रूसी नाविक फेबियन बेलिंगशासन ने 1820 ईस्वी में एक नई भूमि भूखंड इस बर्फ वाले कॉन्टिनेंट को खोज निकाला। इसलिए फेबियन बेलिंगशासन को अंटार्कटिका का खोजकर्ता कहा जाता है। तो अंटार्कटिका की खोज 1820 ईस्वी में रूसी नाविक फेबियन बेलिंगशासन के द्वारा किया गया था। तो फेबियन बेलिंगशासन रूसी पर्सन, और जिस वो नाव से यात्रा किए, जिस नाव से उन्होंने इस अभियान को मूर्त रूप दिया, इस अभियान का जो मेन जहाज था उसका नाम था बोस्टाक। बोस्टाक जो है, बोस्टाक से उन्होंने पूरी यात्राएं की थी और बोस्टाक ही पहली बार ये अंटार्कटिका पे पहुंचा था। तो इस तरह बोस्टाक कैप्टन के जहाज का नाम, कैप्टन का नाम फेबियन बेलिंगशासन, नागरिक रशियन और समय 1820 ईस्वी और खोज अंटार्कटिका का। इस तरह से अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट दुनिया के सामने आया और यह कॉन्टिनेंट जिसे आप पढ़ रहे हैं, यह पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट 98% बर्फ से है। तो ये मरुस्थल कहा जाता है, रेगिस्तान कहा जाता है। और ये कैसा मरुस्थल है? बर्फीला मरुस्थल है, बर्फीला रेगिस्तान है। तो ये भी अगर हम देखें विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल के रूप में अगर हम किसी को विभूषित करें, बर्फीला रेगिस्तान, तो वो अंटार्कटिका है। इस पे कोई प्लांट, कोई एग्रीकल्चर एक्सेट्रा नहीं हो पाते, न होंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बर्फ का हिस्सा है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बर्फीला रेगिस्तान अंटार्कटिका को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह ये विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप। अब हम देखेंगे इसके चारों तरफ कौन कौन सी चीजें इसको घेरे हुई हैं। अब आप अपने माइंड में इमेजिन करिए ग्लोब को। ग्लोब आपने देखा होगा, अर्थ का जो पोर्शन आप देखते हैं वो ग्लोब गोले जैसा, जिसमें वाटर और अर्थ दिखाई देता है। 71% आपको वाटर मिलेगा और 29% लैंड मिलता है। अब उसके आप साउथ में इमेजिन करें, यानी कि फुटबॉल के जैसे ग्लोब के नीचे आप साउथ में इमेजिन करें तो अंटार्कटिका होगा। यह अंटार्कटिका चारों तरफ से तीन महासागरों से घिरा हुआ है। देखें कितना सुंदर शब्द है, ये सेंटेंस पे आप ध्यान दें कि अंटार्कटिका चारों तरफ से तीन महासागरों से घिरा हुआ है। तो ये चारों तरफ से तीन महासागर कौन कौन से घेरे हुए हैं? पहला, इंडिया के नीचे आप देखते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर का अंतिम छोर साउथ में अंटार्कटिका तक पहुंचता है, अंटार्कटिका वहां पे खत्म होता है। ठीक है, तो ये हिंद महासागर। दूसरा, आप ग्लोब के दूसरे साइड पे देखते हैं प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर का अंतिम छोर साउथ में अंटार्कटिका तक पहुंचता है। ठीक है, और उसके बाद लगभग साउथ वेस्ट प्रशांत महासागर घेर लेता है, जो साउथ ईस्ट का हिस्सा है, यानी ऑस्ट्रेलिया से नीचे का हिस्सा। आप मैप में इमेजिन करें ब्रेन में, ऑस्ट्रेलिया से नीचे आप देखे थे साउदर्न ओशन, दक्षिण महासागर। साउदर्न ओशन दक्षिण ईस्ट में, यानी कि दक्षिण पूर्व में अंटार्कटिका को घेर लेता है। इस तरह यह महाद्वीप चारों तरफ से तीन महासागरों से घिरा हुआ है। और ये तीन महासागर हैं नीचे की तरफ जाकर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण महासागर। तो ये तो महासागरों के नाम हैं जो नीचे तक पहुंचते हैं, लेकिन अगर इन महासागरों को हटा दिया जाए और पूर्ण रूप से एक महासागर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा महासागर है जो अंटार्कटिका को घेरे हुए, तो वो होता है दक्षिण महासागर, क्योंकि दक्षिण महासागर सबसे नजदीक है और वो इसको घेरे हुए।
तो खैर ये कोई बड़ा क्वेश्चन और बड़ा टॉपिक नहीं है, ये तो हमारे समझ का है कि ये महासागर नीचे तक पहुंचे हुए हैं और इसको घेरे हुए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक चीज कि दक्षिण महासागर, इसको अगर एक नाम आता है तो दक्षिण महासागर इसके सबसे नियरेस्ट है और सबसे इसको अधिक वाटर से घेरता है। ठीक है, अब बारी है इस कॉन्टिनेंट के आसपास की चीजों के बारे में देखेंगे। अब आप ये जरा सोचिए कि इस कॉन्टिनेंट का हिस्सा जो है साउथ में है और अर्थ जो है 365 दिन अपने अक्ष पर घूमता रहता है। ये तो सभी को मालूम है कि 365 सही 1/4 दिन में अर्थ जो है एक चक्कर लगा जाता है, और एक चक्कर लगाने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होते हैं, और मौसम परिवर्तन में आपको ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु ये सब देखने को मिलता है। और अपने ही अक्ष पर 24 घंटे में धरती एक चक्कर लगा जाती है जिससे दिन और रात होता है। तो जब सन दक्षिणायन होता है यानी 23 सितंबर से 21 मार्च तक, तो दक्षिण में सन का प्रकाश रहता है और अंटार्कटिका पृथ्वी के नीचे है, तो ये स्लोली स्लोली, क्योंकि अगर टार्च हम ग्लोब पे मारेंगे तो जिस साइड टार्च रहेगा उस साइड प्रकाश रहेगा, उसको आप दिन समझ लीजिए, और जिस साइड टार्च नहीं पहुंच पा रहा है, लाइट नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पे अंधेरा है, उसको नाइट समझ लीजिए। तो सेम ऐसे ही अंतरिक्ष में अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है, 24 घंटे में 12 घंटे जो हिस्सा सन के सामने रहता है वहां पे दिन होती है, और 12 घंटे जो सन के पीछे रहता है वो रात होती है। लेकिन जो अर्थ के नीचे है अंटार्कटिका, उस पर तो सन का लाइट हमेशा दिखाई देगा, लेकिन सन दक्षिणायन भी हो रहा है, उत्तरायण भी हो रहा है, यानी कि दक्षिण में अंटार्कटिका है तो जब सन उत्तरायण होगा तो काफी दूर हो जाएगा, और सन जब दक्षिणायन होगा तो अंटार्कटिका के नजदीक हो जाएगा। इसलिए ये तो बैक में है नहीं कि दिन और रात यहाँ पे डेली होंगे, भाई जो पीछे है वहां ना रात और दिन का कॉन्सेप्ट आएगा, जो नीचे है वहां तो सन हमेशा चमकता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सन उत्तरायण भी होता है यानी कि दूर होता है, सन दक्षिणायन होता है यानी कि नजदीक होता है। इसका मेन सार ये है कि सन जब दक्षिणायन होता है तो ये कॉन्टिनेंट पीछे तो नहीं है, नीचे है, इसलिए 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक 6 महीने यहाँ पे दिन दिखता है, दिन रहता है, लाइट रहती है, क्योंकि ये पीछे नहीं है, ये नीचे है, और सन जब चमकता है तो यहाँ पर प्रकाश पड़ता है। तो जब सन दक्षिणायन होता है तो अंटार्कटिका पर 6 महीने दिन होता है, और जब सन उत्तरायण हो जाता है 21 मार्च से 23 सितंबर, यानी कि सन जो है इस कॉन्टिनेंट से दूर चला गया, उस कंडीशन में यहाँ पे सन लाइट नहीं पहुंच पाता है तो ये नीचे ही, पीछे नहीं है। पीछे होता तो नो डाउट पर डे यहाँ पे रात होती, लेकिन ये नीचे है तो सन चमकेगा तो यहाँ पे तो लाइट आएगा, लेकिन कब आ रहा था, जब तो यहाँ पे दिन रहा। सन जब उत्तरायण हो गया तो यहाँ लाइट नहीं पहुंच पाता, इसलिए 21 मार्च के बाद 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर यानी कि 22 सितंबर तक यहाँ पर रात रहता है, यानी कि जब सन 6 महीने उत्तरायण रहेगा तो यहाँ पे रात होगी, और जब सन 6 महीने दक्षिणायन होगा तब यहाँ पे दिन होगी। इसलिए इस कॉन्टिनेंट पर साल भर में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। कारण अगर आपसे पूछा जाए क्यों, तो आप बताएंगे कि ये कॉन्टिनेंट अर्थ के बैक में नहीं है, पीछे नहीं है, नीचे है, इसलिए जब सन का प्रकाश अर्थ पर पड़ता है तो इस कॉन्टिनेंट पे तो पड़ता ही है, लेकिन एक रीजन है कि सन जब दक्षिणायन रहता है
तो यहाँ पे 6 महीने प्रकाश पड़ता है, इसलिए यहाँ पे 6 महीने दिन होती है। और सन जब उत्तरायण होता है तो सन का प्रकाश यहाँ पे नहीं पहुंच पाता दूर होने के कारण, इसलिए यहाँ पे 6 महीने की रात होती है। तो ये विश्व का पहला ऐसा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, जहां पर 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। लेकिन कब होती है? तो जब सन उत्तर दक्षिणायन होता है तो दिन, कब से? 23 सितंबर से 21 मार्च तक। सन जब उत्तरायण होता है तो रात, कब? 21 मार्च से 23 सितंबर। ये 21 मार्च 23 सितंबर क्या है? सन इक्वेटर पे चमकता है, 21 मार्च को चमकता है और 23 सितंबर को चमकता है, ठीक है। यही दोनों तिथियों से सन उत्तरायण होता है और सन दक्षिणायन होता है, ठीक है। इसके बाद इस कॉन्टिनेंट पे एक क्वेश्चन उठता है कि ये कॉन्टिनेंट बर्फ का है और यही कॉन्टिनेंट वाटर से घिरा हुआ है, वाटर यहां पे बर्फ क्यों नहीं बदल जाता? वाटर अगर इसको घेरे हुए तो वाटर क्यों नहीं इसमें बर्फ में कन्वर्ट हो जाता? तो जो अब ये समझने की चीज है कि ये कॉन्टिनेंट तो बर्फ का है, और कितनी मोटी बर्फ है? 1.6 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ है। तो फिर ये अदर वाटर इसको घेरे हुए तो वो बर्फ में क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाते, ठीक है? इसका जवाब आप देखिए, जो वाटर इसको घेरे हुए हैं वो ओशंस के हैं, महासागर्स के हैं, और महासागर दक्षिणी गोलार्ध में भी है और उत्तरी गोलार्ध में भी है। तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध यानी कि एक ही महासागर दोनों गोलार्धों में है, तो ये महासागर पर डे सन के टेम्परेचर को फेस करता है, सन का तापमान इस पे पड़ता है, और ये सन का तापमान पर डे यहाँ पे ओशंस के तापमान को बढ़ाए रखता है, ओशन के तापमान को, सागर महासागरों के तापमान को बढ़ाए रखता है। अब क्वेश्चन है कि भाई वाटर कैसे तापमान को बढ़ाए रखता है, सन कैसे तापमान को बढ़ाए रहता है? रीजन ये है कि इक्वेटर पर सन का प्रकाश सबसे अधिक पड़ता है, सनलाइट ज्यादा पड़ता है, और इस तरह पे सन के टेम्परेचर के कारण इक्वेटर के पास ओशंस का तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस रहता है। देखें सन का जो तापमान है वो 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास इक्वेटर के पास पड़ता है, ओशंस में इतना ज्यादा पाया जाता है, और यही ओशंस का तो वाटर मूव करता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या मूवमेंट लिए रहता है, जिसको हम महासागरीय करंट कहते हैं, महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। आपको ये भी टॉपिक पढ़ना है, महासागरीय जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, ओके? तो हम देखते हैं कि महासागरीय जलधाराओं का महासागरों में कंटिन्यू चलना पाया जाता है, जिसे हम करंट कहते हैं। ये करंट जो है इक्वेटर से साउथ की तरफ भी आती हैं और नॉर्थ की तरफ आती हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि सागरों का ये मंथन करती रहती हैं और टेम्परेचर को एक जगह से दूसरे जगह ये सेपरेट फैलाती रहती हैं। जब इक्वेटर पे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहता है ओशंस का, उस कंडीशन में उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव यानी कि उत्तर साइड और दक्षिण साइड में पोल जहां पर है, ध्रुव है, यानी वहां तक पहुंचने में ये तापमान कम होते होते 5 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, और फिर यही करंट जो है कंटिन्यू चलता रहता है। तो गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म, ये करंट्स की विशेषता है, ये मूवमेंट करना। इस तरह सागर और महासागर का तापमान हमेशा 33 डिग्री सेल्सियस हायर होता है और 5 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है। 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही समुद्र का, ओशंस का, सागर का तापमान बना रहता है। तो 33 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तापमान है ओशन का इक्वेटर के पास, और 5 डिग्री सेल्सियस मिनिमम तापमान है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी पोर्शन
और उत्तरी पोर्शन में। इस तरह सागर महासागर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस से कभी नीचे नहीं आता और 33 डिग्री सेल्सियस से कभी ऊपर नहीं जाता, इन्हीं के बीच में तापमान बना रहता है। इसलिए जो हिस्सा सागर महासागर का अंटार्कटिका से लगा हुआ है वो कभी 5 डिग्री से नीचे आया ही नहीं, इसलिए वो बर्फ में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी वाटर को फ्रीजिंग कंडीशन में लाने के लिए, ठोस अवस्था में बदलने के लिए 0 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है। और सागर महासागर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होता है और 33 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होता है। इसलिए अंटार्कटिका तो छोड़िए, अदर कहीं भी किसी भी जगह पर सागर महासागर का वाटर बर्फ में नहीं कन्वर्ट होता, क्योंकि उनमें मिनिमम तापमान 5 डिग्री ही रहता है और उसमें गुप्त ऊष्मा बनी रहती है, इसलिए कभी भी वो बर्फ में आपको नहीं कन्वर्ट होगा। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि पोलर एरिया में देखते हैं कि वाटर के ऊपर जो है बर्फ की लेयर जमी रहती है, वो क्या है? वो जब सन उत्तरायण होता है तो दक्षिणायन हिस्से में अधिक टेम्परेचर के अधिक, जब जैसे उत्तरायण होगा तो अधिक टेम्परेचर होगा, तापमान होगा उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंड पड़ेगी। तो खासतौर से अंटार्कटिका के आसपास के क्षेत्रों में महासागरों के ऊपर का लेयर ठोस अवस्था में कन्वर्ट होगा, लेकिन जैसे ही सन दक्षिणायन होगा वो पिघल जाएगा, यानी कि ये परमानेंट बर्फ में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसलिए अंटार्कटिका के आसपास के क्षेत्रों में जो बर्फ का हिस्सा है वो फ्रेश अंटार्कटिका का है, वो सागर महासागर का नहीं है। तो कुल मिलाकर यही रीजन है कि सागरों महासागरों का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ठीक है, अब जो यहां से अंटार्कटिका से और फैक्ट, ये देखिए ये टोटल जो है ये टॉपिक जो है ये लेक्चर है, ये डिस्कशन है, इसमें कोई मैप का बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि इसमें आप मैप में क्या देखेंगे, ना कंट्रीज है ना यहाँ पे कोई पॉपुलेशन वाला हिस्सा है, बस तो इस कॉन्टिनेंट के बारे में हम केवल डिस्कस करेंगे, इसके बारे में सुनेंगे। ठीक है, दूसरी बात, इस कॉन्टिनेंट का जो तटीय हिस्सा है यानी कि किनारे का भाग, तो अब आप इमेजिन करें कि कॉन्टिनेंट बर्फ का है और इसका तटीय हिस्सा जो है वो सागर महासागर का यानी कि ओशंस का है, ओशंस वाटर है और कॉन्टिनेंट ये ठोस है, बर्फ है, तो इस तट को क्या कहेंगे, इस तट के हिस्से को क्या कहेंगे? तो जो तट बर्फ से ढका हो और वाटर से लगा हुआ हो, ऐसे तट को फियर्ड तट कहते हैं। जैसे हम लोग यूरोप में पढ़े थे कि जो नॉर्वे का तट है, तो नॉर्वे के ऊपरी भागों में बर्फ जमे होने के कारण इसका जो तट है वो बर्फ का स्लोप ही अटलांटिक महासागर में चला गया है, तो इसके तट पर बर्फ के ढलान पाए जाते हैं, उस तट को क्या कहे थे हम लोग, फियर्ड तट कहे थे। नॉर्वे का तट कैसा है, फियर्ड तट है। विश्व का सबसे बड़ा फियर्ड तट का एग्जाम्पल कॉन्टिनेंट वाइज हम देखें तो अंटार्कटिका में मिलेगा, क्योंकि अंटार्कटिका पूरा बर्फ है और ये बर्फ तटीय हिस्सों को देखें तो सागरों महासागरों से घिरा हुआ है, तो इस तट को क्या बोलेंगे, फियर्ड तट। तो पूरे कॉन्टिनेंट का वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसका पूरा जो हिस्सा है तट है तो वो अंटार्कटिका कहलाएगा। दूसरी बात, अंटार्कटिका बर्फ का है और तटीय भाग में जो वाटर है वो 5 डिग्री तापमान लिए हुए है, तो तटीय किनारे पर तट के हिस्से पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री तापमान 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ अंटार्कटिका और इसी के तट पर 5 डिग्री तापमान वाटर का, 0 से 5 गर्म होगा। इस तरह का जहां पे क्लाइमेट क्रिएट होता है, जहां पर निम्न और उच्च तापमान पाए जाए, वाटर में जहां पर
ठंडी और गर्मी पाई जाए एक ही जगह पर, ऐसे कई करंट मिलेंगे, ठंडी करंट और हॉट करंट, कोल्ड करंट हॉट करंट, जहां पे दोनों टकराती हैं।